दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली से चंडीगढ़ तक प्रदर्शन, सड़क पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हंगामा, थोड़ी देर में कोर्ट में सिसोदिया की पेशी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा सब सही था तो पॉलिसी वापस क्यों ली? पॉलिसी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों करी? आपने कमीशन 2% से 12% क्यों बढ़ाया? मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के लिए डाले जा रहे हैं वोट। दोनों राज्यों में कुल 118 सीटों पर मतदान, दोपहर 1 बजे तक नागालैंड में करीब 57 और मेघालय में 45% वोटिंग। नागालैंड में चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा और पथराव, वोखा में एनपीपी और एनपीएफ कार्यकर्ताओं की झड़प के दौरान फायरिंग। पोस्ट बजट वेबिनार को प्रधानमंत्री ने आज भी किया संबोधित, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने पर हुई चर्चा, सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर जोर। जब हमारा लक्ष्य हर एक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा, तो फिर किसी के साथ भेदभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। कर्नाटक के शिवमोगा में प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, 36,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन। और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये इस क्षेत्र के जवानों के सपनों को नई उड़ान का अभियान है। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया सही, अग्निवीरों की भर्ती के खिलाफ दायर याचिका किया खारिज, कहा देश हित में लाई गई योजना। गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद से यूपीएसटीएफ करेगी पूछताछ, प्रयागराज में बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का मामला। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें।